इसमें मशीन बहुत उठा आ रही है पर्ची जी। क्या नाम आपका? ज्योति। ज्योति जी, आप पहली बार वोट डालने हैं, कैसा महसूस होता है कि आप अपने एक प्रधानमंत्री का चुनाव यूँ समझिए कि आप खुद कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वोटरों को क्या, और दूसरों जो आपके सम के हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही कि सोच समझ के डालें, चाहे किसी का चाहे फर्स्ट है चाहे लास्ट है, मतलब जैसे भी है सब कंटिन्यूसली डालते रहें, और ये हमारा हक है तो इसे कोई भी मतलब सभी वोट डालें। मेरी सबसे यही अपील है कि सभी अपना वोट डालें और सोच समझ के डालें। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और बहुत एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम वोट है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? रजनी। क्या लगता है, कैसा लगता है आपको, पहली बार आप वोट करने जा रहे हैं? हाँ जी, एक्साइटिंग है, फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप जिसको भी वोट डाल रहे हैं कैसा होना चाहिए आपका एमपी? अच्छा होना चाहिए, हमारी हमारी जो भी मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशन मतलब जो भी हो वो हमें अचीव मिले। किस तरह के मुद्दे को लेकर के आप वोट करने जा रही हैं आज भी आपके आसपास के? हमारे सारे मतलब सभी को वो सपोर्ट करे, भले कोई गरीब हो अमीर हो, सभी को सपोर्ट करे, कोई भी पक्षपात की भावना ना रखे। जी, थैंक यू।
पाकिस्तान में तब जब अच्छा आज़ादी के बाद में आपने कब से वोट डालना शुरू किया था? जब के डालने लगे हम डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं। ठीक, थैंक यू। अच्छा आप एक बात बताइए, आप पहली बार वोट कर रहे हैं? जी, हमारे फर्स्ट टाइम वोट है। क्या क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन जी बताइए कैसा महसूस हो रहा है जब पहली बार? बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इस वोट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि 12 मई कब आई और आज वो दिन आ गया और मैं अपना वोट कास्ट करके आई हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम कास्टिंग वोट फॉर डेवलपिंग इंडिया नॉट फॉर एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम वोटिंग फॉर मोदी। थैंक यू। अच्छा आपका क्या नाम है? प्रीति जी, कैसा लग रहा है आपको कि पहली बार आप वोट डाल रही हैं और एक प्रधानमंत्री का चुनाव समझिए आप अपने हाथ से कर रहे हैं, तो क्या क्या लगता है आपको? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरा फर्स्ट वोट है और बहुत दिन से वेट था कि कब आए ये चुनाव का दिन और हम अपना फर्स्ट वोट एक अच्छे प्रधानमंत्री को हमने दिया, हम बहुत खुशी। अच्छा क्या किसको वोट किया आपने? नरेंद्र मोदी। ओके ओके। हाँ जी, क्या नाम आपका? रोहित। रोहित जी, क्या लगता है आपको किस तरह के कैंडिडेट को आपने वोट किया है और किस तरह के कैंडिडेट को वोट करना चाहिए था? बहुत बढ़िया लग रहा है ये जी। फर्स्ट टाइम वोट किया आपने? हाँ जी जी। आप जो अपने दोस्त हैं, युवा लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ वोट सबको डालना चाहिए, जरूर डालना चाहिए जी। जी, थैंक यू। माता जी, क्या नाम है आपका? शांति जी। आपने किस तरह के व्यक्ति को वोट किया है, कैंडिडेट को वोट किया है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को किया है? तो नरेंद्र नरेंद्र मोदी ने हर महीने हर साल 200 रुपए बढ़ाया। नहीं नहीं, वो 5 साल में करके दिखाया, 35 साल में नहीं कर पाई, वो 5 साल में करके दिखाया। अच्छा, नहीं आप थोड़ा मुझे भी बताइए कि 15 लाख रुपए तो आए नहीं आपके खाते में? माता जी, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र हो गई? 72 साल। कितने, अच्छा कितने सालों से वोट कर रहे हैं आप? बहुत सालों से। अच्छा, कोई ऐसा किस तरह का आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है? नहीं नहीं आया आज तक। ठीक है, मैं आएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गोमती देवी। आप रानी देवी। अच्छा, बहुत खुशी है वोट डालने के, हमारे देश का विकास होना सबसे बड़ी बात है। अच्छा, तो किसको वोट करके आए आप? सभी मोदी भगत लग रहे हैं। ठीक है। अमनप्रीत जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप दूसरे वोटर्स को? संदेश यही है सर, जो आगे देश का विकास है उसी प्रधानमंत्री को चुना जाए। अच्छा, जो कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक बार वोट बनने के बाद जैसे भी जीत जाते हैं वो फिर कभी नहीं आते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको तो बाहर ही नहीं निकालना चाहिए, वो तो मर ही जाते हैं। टोकरी चुपा रहे हो? हाँ, पिछली बार थे ना इनेलो पार्टी के, वो आई नहीं। अच्छा, तो आप किस तरह के कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं? ऐसा कैंडिडेट जो जनता के बीच आकर बात करे और जनता का विकास करे। देख ही नहीं सकते। पहली बार वोट कर रहे हैं आप? यस सर। थैंक यू।